समर एक्सपेरिमेंट। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर। समर एक्सपेरिमेंट यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में कम से कम 8 एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं, तो प्लीज़ वीडियो पूरी देखिएगा और आपको डेफिनेटली काफ़ी काम आएगी और आप इसे घर पे भी कर सकोगे। तो जैसा आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये मैंने एक DVD ले ली है। आप कोई CD भी ले सकते हो, कोई राउंड डिस्क ले सकते हो, या कोई भी स्क्वायर में, या कोई भी आप रेक्टेंगल ले सकते हो। तो इस तरीके से आपको उसे बराबर भागों में डिवाइड कर लेना है। ये लगभग मैंने 120 डिग्री पर डिवाइड किया है, इसके 3 मैंने भाग ले लिए क्योंकि 360 होता है राउंड में। तो आप जैसे देख पा रहे हो फ्रेंड्स, ये मैंने यहाँ इसे 120 डिग्री में डिवाइड कर लिया, इसे इक्वली डिवाइड हो गए हैं। अब मैं इसको 15 mm इसकी यहाँ पर मार्किंग करूँगा, 3 जगह सेम 15 mm की मार्किंग करूँगा। और उसके बाद फ्रेंड्स, मैं इसमें जो सोल्डिंग आयरन होता है, क्योंकि फ्रेंड्स ये प्लास्टिक का हीट से आसानी से मेल्ट हो जाती है, तो इस तरह से मैंने यहाँ पर एक होल करके, 3 होल करके, इसमें जो पेंसिल होती है 3 ही पेंसिल ही है। जी हाँ फ्रेंड्स, मैं इसमें एक रोबोट बनाने वाला हूँ। तो मैंने सोचा पहले क्यों ना आपको कोई इंटरेस्टिंग चीज़ बता दिया, और आप फ्रेंड्स काफ़ी कमेंट करते हैं सर हमें कोई रोबोट बना के दिखाइए। तो जैसा आप देख पा रहे हैं, 90 mm मैंने यहाँ मार्किंग कर लिया पेंसिल की। आप अपने हिसाब से 10 mm कोई मतलब कैलकुलेशन नहीं है, आप अपने हिसाब से जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आप इसे अलग तरीके के रोबोट बोल सकते हो, ड्राइंग रोबोट बोल सकते हो, मैड रोबोट बोल सकते हो। तो इस तरह पेंसिल लगाकर इक्वल इनमें लगा लिया है। अगर आप कोई भी चीज़ लेना चाहो स्क्वायर में, रेक्टेंगल में, सर्कल में, तो आप ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने तीनों पे यहाँ ग्लू गन लगा लिए। आप कोई भी जो यूज़ है ग्लू कर सकते हो। अभी ये लग गई है, और जो पेंसिल की नोब वो पहले मैंने यहाँ पर शार्प कर ली थी। तो आप देखते हो, मैंने SPST स्विच लिया है, और एक 9 volt की बैटरी ली है, और फ्रेंड्स एक लिया है वाइब्रेटर मोटर। तो दोस्तों, इन जितने में सामान परचेज मैंने किए हैं, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके से परचेज कर सकते हो। तो मैंने लगाने वाला हूँ। कनेक्शन बहुत सिंपल है, आप इजीली कर लोगे। तो सिंपल सी बात है, यहाँ मैंने एक ग्लूगन लगा कर हल्की सी SPST स्विच लगा लिया है। यहाँ मैं 9 volt की बैटरी कनेक्ट कर लूँगा। तो दोस्तों, ये बहुत अच्छा काम करता है। जब इसे बच्चे को आप दिखाओगे ना, तो काफ़ी बच्चा खुश होगा। और जैसा आप देख पा रहे हो, बस हल्के से कनेक्शन है, कोई ज़्यादा कनेक्शन इसके अंदर नहीं है। तो 9 volt की बैटरी के साथ कनेक्शन कर सकते हो। आप चाहे तो मोबाइल की बैटरी भी यूज़ कर सकते हो, यहाँ 4 volt की बैटरी से भी चल जाता है मोटर ये, तो आप उससे भी चला सकते हो। और यहाँ पे एक स्विच हमने सीधा जो कनेक्शन है SPST स्विच से लेकर मोटर के अंदर कर दिया है। अब दूसरा जो फ्रेंड्स 2 वायर वाली बैटरी है, उन हम सीधा स्विच से और मोटर से दे देंगे। तो यहाँ पे फ्रेंड्स हमारा काम हो गया। उल्टे सीधे की टेंशन नहीं लेनी, किधर से डायरेक्शन में घूमेगा तब भी वाइब्रेट करेगा। तो देखिए, चलिए मैं आपको इसको टेस्ट करके दिखाता हूँ। पहले आप देख सकते हो किस तरीके से ये लग रहा है लुक में इसके। तो जैसा आप देखा, तो यार ये काफ़ी मतलब जो नीचे पेंसिल की जो नोब है ना, तो पेंसिल थोड़ी आपको थोड़ा मजबूत लेनी होगी। अगर लोकल क्वालिटी के लोग हैं तो उसकी जो नोब है वो टूट जाएगी। तो देखिए, मेरी नोब नहीं टूटी और बहुत मस्त इन्होंने काम किया। इसे आप ड्राइंग रोबोट बोल सकते हो, या पेंसिल रोबोट बोल सकते हो, या आप इसे मेड रोबोट बोल सकते हो, जो भी आपको ठीक लगे आप वो बोल सकते हो। तो इस तरीके से इन्होंने अच्छा काम किया, और मतलब चलता रहता है जब तक आप इसे रोकोगे नहीं, और अच्छे से नीचे ड्राइंग करता रहेगा हिलते हिलते। लेकिन आपका फर्श फ्रेंड्स ख़राब हो जाएगा अगर आप इसे सफ़ेद फर्श में यूज़ करोगे। तो देखिए, आप उसकी आवाज़ सुन सकते हो। तो फ्रेंड्स, ये चलिए अपने दूसरे प्रोजेक्ट पे चलते हैं, आप इसे बना सकते हो। तो इसमें दोस्तों आपको कुछ पोटैटो ले लेने हैं, आलू, जो कि घर में इजीली मिल जाते हैं। और ये कुछ आपको पत्ते लेने हैं, ये कॉपर की हैं और दूसरी जिंक की हैं। तो जिंक अगर आपको नहीं मिले, तो जो सेल होते हैं, बड़े बड़े निप्पों के सेल जो होते हैं, A साइज या AA साइज, उसके ऊपर जो कवरेज होती है फ्रेंड्स, वो टोटल जिंक की होती है। आप सेल को तोड़कर उसकी जिंक की कोटिंग निकाल सकते हैं कितनी चाहे, ख़राब सेल को तोड़कर। और इस तरह से जो कॉपर की फ्रेंड्स, जो मोटर वाइंडिंग का वायर आता है 10 या 12 नंबर या 14 नंबर का भी राउंड में, आप उसे पीट कर उसकी कोटिंग हटा कर पत्ते बना सकते हैं। मैंने पिछली वीडियो में दिखाया है। तो इस तरह से आप इसकी यहाँ यूज़ कर सकते हो अगर आपके पास ये चीज़ नहीं है। तो आप देख सकते हो, मैंने 3 को सीरीज में लगा लिया है और 2 को ऐसे लगा दिया है। अब ये कॉपर की है, ये जिंक की है। तो कॉपर की एक मैं लगाऊंगा पहले आलू के अंदर, कॉपर के लगा दी, फिर जिंक के लगा दी, इस तरीके से। अब सेम मैं ये प्रोसेस करूंगा, जहाँ जिंक की है या कॉपर लगाऊंगा, यानी कि एक कॉपर की उसके साथ एक जिंक की चलेगी इस तरीके से, फिर जिंक के लगी, फिर मैं दोबारा एक कॉपर, क्योंकि यहाँ जिंक की है, फिर मैं कॉपर के लगाऊंगा, फिर जिंक के लगाऊंगा। अब 2 जो फ्रेंड्स हमारी पत्ती बची हैं, उनको मैं यूज़ करूँगा अलग से कनेक्शन लेने के लिए, क्योंकि सीरीज में लगा रहे हैं। तो कॉपर की तो यहाँ पर मैंने जिंक की लगाई, और यहाँ जिंक की आप देख रहे हो, तो यहाँ मैंने कॉपर लगाई है। तो अभी सीरीज में कनेक्ट हो गया। पहले मैं आपको इसके वोल्टेज दिखाता हूँ, कितने वोल्टेज ही हमें आउटपुट दे रहा है। तो जी हाँ फ्रेंड्स, ये पोटैटो बैटरी, और आप यानी कि आलू से ये बैटरी बना सकते हो। और आप देख सकते हो 3.40, यानी कि 3.5 volt के अप्रोक्स ही आपको वोल्टेज आउटपुट दे रहा है। तो इससे दोस्तों हम LED चला सकते हैं, वैसे मोटर तो नहीं चल सकता कि इतने एम्पियर नहीं होते इसके। तो आप देख पा रहे हो पास से 3.5 volt का अप्रोक्सी वोल्टेज हमें आउटपुट दे रहा है। तो मैं सब एक जो RGB LED है वो चला के दिखा देता हूँ।
मैंने बताया ना कि उसमें ये एक तो रिचार्जेबल नहीं है, लेकिन फ्रेंड्स ये है कि अगर आपको कोई भी दोबारा बनानी है तो आप इसे आलू को दोबारा यूज़ कर सकते हो कहीं और से। जैसे अभी डाउन हो गई तो आलू को वहीं से निकाल कर बस थोड़ी दूरी पर आलू के लगा दी, यानी आलू जल्दी से ख़राब नहीं होगा। देख सकते हो आप LED ये ब्लू कलर की चल रही है जो कि 4 वोल्ट पे 5 वोल्ट भी काम कर जाती है। तो ये आप देख सकते हो वॉच है, तो वॉच फ्रेंड मैं डायरेक्ट लगा रहा हूँ, सेल इस पर अंदर नहीं है, तो मैं इसमें डायरेक्ट लगा के दिखाऊंगा किस तरीके से चल रही है ये। तो चलिए पहले मैं इसमें सोल्डिंग कर लेता हूँ। और आप देख पा रहे हो फ्रेंड्स, अगर आपको बिल्कुल भी नो लेनी है माइनस प्लस का मत कीजिएगा, माइनस प्लस का बहुत ध्यान रखना पड़ता है इसमें। और आप देख सकते हो इस तरीके से अभी वोल्टेज ज़्यादा है हमारे, इस तरीके से फ्रेंड्स डिस्प्ले से दिखा रहा है, तो मैं इसके थोड़े वोल्टेज कम करता हूँ क्योंकि बैटरी 1.5 वोल्ट पर चलती है और लगभग 3.5 वोल्ट पर नहीं चलेगी। तो देखिए अब भी थोड़ी प्रॉब्लम है, तो ये सिर्फ 2 आलू से चलेगी क्योंकि हमारी जो वॉच है ये सिर्फ 1.5 वोल्ट पर ही चलती है, और उससे ज़्यादा दोगे तो फ्रेंड्स चल तो जाएगी लेकिन इसके डिस्प्ले वो क्लियर नहीं होगी। तो आप देख पा रहे हो 12 वोल्ट यानी कि 2 सेल से चल रही है, तो यहाँ में सिर्फ 2 सेल की ज़रूरत है, और मैं एक पोटैटो में लगाता हूँ नहीं चल रही। तो देखिए 2 पोटैटो से चल रही क्योंकि ये 1.5 वोल्ट से कम पर भी नहीं चलती, तो थोड़ा तार लूज़ हो रहा पीछे से सॉरी, लेकिन ये फ्रेंड्स अच्छा काम कर रही है। आप देख पा रहे हो बिल्कुल ओके काम कर रही है, और आप इस तरीके से वॉच को चला सकते हो, और अगर ये ख़राब हो जाए बैटरी तो दूसरे के लगा इसे चला सकते हो। तो आपने पहले देखा था फ्रेंड्स कि 1 पोटैटो से नहीं चली थी घड़ी, लेकिन यहाँ मैं 1 पोटैटो से चला के दिखाऊंगा वॉच आपको। तो मैंने 1 पोटैटो में आलू में लगा लिया वायर, अब जैसे मैं दोनों हाथों से लगाऊंगा तो ये देखिए चल जाएगी। तो फ्रेंड्स हमारी बॉडी ये कुछ वोल्टेज प्रोड्यूस करती है कॉपर में और जिंक पर लगाने से, तो देखिए इस तरीके से लगभग 0.75 वोल्टेज अप्रोक्स में मिल रहे हैं, 0.75 अप्रोक्स इसे आलू से मिल रहे हैं, तो 1.5 वोल्ट का अप्रोक्स ये हमारी चल रही है वॉच, और ऐसे नहीं हल्की चल रही, बहुत अच्छी वर्क कर रही है। तो आप देख सकते हो, और मैं निकाल देता हूँ। और फ्रेंड्स ये तो हो गया आलू से, अब मैं आपको डायरेक्ट सिर्फ सीधा अगर हम दो जने यानी कि 4 हाथ लेकर दो हाथ लेकर से पकड़ें तब भी ये वर्क करेगी, लेकिन थोड़ा कम प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी। तो आप देख सकते हो मैं अभी आपको दिखा देता हूँ क्योंकि यहाँ पर फ्रेंड्स थोड़ा प्रॉब्लम हुई थी दिखाने में आपको। तो देखिए 12 बजे यानी कि वर्क कर रही है, अभी हमने कोई भी आलू कोई भी बैटरी इसमें नहीं जोड़ी है, और सिर्फ हमने हाथ से पकड़ रखा है तब भी देखिए वॉच चल रही है। तो आप इस तरह से वॉच को चला सकते हैं क्योंकि वॉच को ज़्यादा एमपी की जरूरत नहीं पड़ती है, हल्के से वोल्टेज भी ये चल जाती है। तो दोस्तों जितने मैंने इस वीडियो में आपको एक्सपेरिमेंट दिखाए हैं दिखाने वाला हूँ सारे 100% सक्सेसफुल, आप घर पे इजीली कर सकते हो। तो देख पा रहे हो फ्रेंड्स ये रेत है जो कि सैंड होता है घर पे, और दोस्तों कंस्ट्रक्शन में काम आता है ये, बारिश से भीग गया है जी, आप देख पा रहे हो थोड़ा वेट है गीला है, तो बारिश भीगने के बाद कुछ तरीके आपको लगाए। तो दोस्तों ना तो इसमें नमक का मैंने पानी डाला है, क्योंकि मैंने इसमें एसिड डाला है जो बैटरी निकाल के डाला है। तो इस तरीके से मैंने इसमें कॉपर की और जिंक की प्लेट लगा दी है सीरीज में करने के लिए। तो देखिए मैं इसमें वॉच का कनेक्शन करूँगा तो वॉच 100% वर्क करेगी। जी हाँ फ्रेंड्स इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी ही इलेक्ट्रॉन का भाव इलेक्ट्रिसिटी कहलाती है। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं ये 100% वर्क कर रहा है इस तरीके से भी, आप ना कोई आपने सेल यूज़ किया है ना कोई आपने पोटैटो यूज़ किया है, थोड़ा लूज़ हो रहा है पत्ती, रुकिए मैं सेट कर देता हूँ, देखिए बिल्कुल सही काम कर रही है। तो फ्रेंड्स कुछ भी यहाँ यूज़ नहीं किया है, आप इसे ईजिली इस तरीके से वॉच इसे चला सकते हो, और आप खुद प्रैक्टिकल करके देख लीजिए कितना टाइम इसने चला, क्योंकि मैंने आपको इसी वीडियो आपको एक तरीका बता दिया है, और आप घर पर जब भी इसे ट्राई करोगे तो दोस्तों आप इसे ट्राई करके बताइएगा मुझे कितना इसमें यानी कि बैकअप दिया है। और कोई फ्रेंड्स अगर आपको कोई भी अगर आपको एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट से कमेंट कर जरूर बताइएगा, और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो देखिए हमने बॉडी के तरह से भी चला सकते हैं, मैंने आपको पहले बताया था कि हम बॉडी से भी चला सकते हैं, तो इस तरह की निकाल के मैंने कॉपर की कोई भी जिंक की आपसे सीधा करेक्शन करके बॉडी से आप इसे चला सकते हो। तो चलिए दोस्तों अपने अगले एक्सपेरिमेंट चलते हैं। तो फ्रेंड्स इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए आपको 4 हट्टे कट्टे तंदुरुस्त मजबूत नींबू ले लेने हैं, और इस तरीके से मैंने यहाँ लगा दिए हैं, और दोस्तों आप 2 नींबू भी कम से कम ले सकते हो। और इस तरीके से कॉपर की और जिंक की मैंने यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट कर दिया, जिस तरीके से मैंने पोटैटो जो आलू थे उन्हें कनेक्ट किया था, तो इस तरीके से आपको सेम कनेक्ट कर लेना है। वैसे आपको कम से कम 2 नींबू चाहिए, लेकिन अगर आपको ज़्यादा वोल्टेज आउटपुट चाहिए तो आप और सारे नींबू कनेक्ट कर, इससे जितने भी कनेक्ट करके आप आसानी से इससे वोल्टेज ले सकते हो। तो देखिए इन्हें लगभग 3.5 वोल्ट का अप्रोक्स ये भी आपको वोल्टेज सेम देगा जैसे कि आलू में आपको मिले थे, लेकिन फ्रेंड्स आलू में आपको थोड़े से ज़्यादा मिले थे, लेकिन जो नींबू है उसमें थोड़े से आपको वोल्टेज कम मिलेंगे। तो देखिए मैं आपको पहले से वॉच चला कर दिखाता हूँ, सेम वही प्रोसेस है, और देख सकते हो अभी थोड़ा वायर लूज़ है। तो देखिए यानी कि लगता है कि फ्रेंड्स वोल्टेज थोड़े ज़्यादा हैं इसके, यानी कि 3 वोल्ट 3.5 वोल्ट पर नहीं चलेगी ये। तो मैं आपको अभी इससे चला के दिखाता हूँ कितने वोल्टेज पे हमारी जो बैटरी है वो वर्क करेगी। तो देखिए 3 पे भी काम नहीं करेगी, सीधा फ्रेंड्स 2 पर ही काम करेगी। तो जैसे आलू में फ्रेंड्स 2 पर काम किया था, क्योंकि इस बैटरी को यार बहुत कम वोल्टेज चलती है, लगभग 1.25 या 1.5 वोल्टेज पर भी इसने चल जाती है, और एम्पियर बहुत कम ना के बराबर तब भी हमारी जो बैटरी है वर्क कर जाती है। तो चलिए फ्रेंड्स अपने अगले प्रोजेक्ट पर आते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको कुछ कॉपर वायर ले लेना है, 1.5 इंच का मैंने बोर्ड लिया है, आप स्क्रू भी ले सकते हो या आप अपने हिसाब से कोई भी जो मेटल की चीज़ है जो मैग्नेट से चिपकते हो उसको ले सकते हो।
तो इस तरह से मैंने इस पर थोड़ा सा एक हल्का सा लपेट लिया है, हल्का सा वाइडनिंग कर ली है इस तरीके से देखा जाए। और दोस्तों जो वायर आप कॉपर का देख रहे हो, ये कॉपर का है, इस पर जो कोटिंग चढ़ी हुई है नॉट इंडक्टर की, तो अब इसको आप जलाओगे ना तो ये हट जाएगी। या सबसे बेटर तरीका फ्रेंड्स ये है कि इसको आप जो सैंड पेपर होता है या कोई भी आप छुरी धारदार चीज़ होगी उससे घिस के उससे रब करके आप इजीली से छुटा सकते हो उसकी कोटिंग को। तो आप सेल ले सकते हो या बैटरी ले सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ मैं आपको सेल ला के दिखाता हूँ, तो आप देख सकते हो इस तरह से लगा। दोस्तों वैसे तो ये अभी कम पावरफुल है, मैं सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट के तौर पर बना रहा हूँ। अगर आपको काफ़ी हैवी बनानी है तो आपको एक तो जो स्क्रू है, जो नट बोल्ट है, जो बोल्ट है सॉरी, आपको थोड़ा हैवी लेना होगा, जो वायर ये भी ज़्यादा लेना होगा, और दोस्तों बैटरी भी उसके हिसाब से आपको पावर देनी होगी। तो फ्रेंड्स ये अभी काफ़ी छोटे लेवल पर है, मैंने बताया ना आपको, अगर आपको थोड़ा हैवी मैग्नेट टाइप की बनानी है इलेक्ट्रो मैग्नेट, तो आपको स्क्रू या कोई भी लोहे की चीज़ भारी लेनी होगी, उस पर जो आप कॉपर वायर चढ़ा रहे हो फ्रेंड्स, काफ़ी हैवी लेना होगा, राउंड बढ़ाना होंगे, और उसके हिसाब से ही आपको इसे बैटरी लगानी होगी। तो काफ़ी अच्छा और बहुत मतलब मजबूत ये इलेक्ट्रो मैग्नेट बन जाएगी, क्योंकि फ्रेंड 9 वोल्ट में ज़्यादा वोल्टेज नहीं होते, तो आप कोई हैवी बैटरी लीजिए। चलिए फ्रेंड्स अपने अगले प्रोजेक्ट पर आते हैं। तो मैंने दो कॉपर की आप देखो पत्ते ले लिए इस तरीके से, और एक 9 वोल्ट से 12 वोल्ट पे चल जाता है अलार्म ले लिया है, और दोस्तों एक 9 वोल्ट की बैटरी लेनी है, आप कोई सी बैटरी ले सकते हो और इसका कनेक्टर आपको ले लेना है। तो दोस्तों ये अभी मैं छोटे लेवल पर बना रहा हूँ, आप इस प्रोसेस को फॉलो करके बड़े लेवल पर इसे बना सकते हो। तो आप देख सकते हो जो बजर का और बैटरी का नेगेटिव पॉइंट है, जो वायर है वो मैंने आपस में कनेक्ट कर लिया है। अगर आपने उल्टा कनेक्शन कर दिया तो फ्रेंड्स ये बजर नहीं काम करेगा, तो आपको कनेक्शन पर थोड़ा ध्यान देना है। जी हाँ दोस्तों, मैं यहाँ वाटर ओवरफ्लो बना रहा हूँ, जो अलार्म होता है टंकी भरती, आपका जो अलार्म यानी कि पता लग जाएगा आपको कि हाँ टंकी हमारी भर चुकी है। तो दोस्तों बहुत सिंपल प्रोजेक्ट है, आप इस प्रोजेक्ट को स्वयं अपने घर पर स्ट्राइक कर सकते हो। दोस्तों बता दो आपको, आपकी कमेंट पर काफ़ी वीडियो अभी रुकी हुई हैं। जी हाँ फ्रेंड्स, काफ़ी कमेंट इकट्ठी मेरे पास हो जाती हैं, तो आपकी कमेंट पर वीडियो मैं बना रहा हूँ कि करके सारी वीडियो बना दूंगा, तो प्लीज़ थोड़ा सा वेट कर लीजिए। और दोस्तों अगर इस वीडियो में आपको कोई भी प्रोसेस अच्छा लगा, कोई भी एक्सपेरिमेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में कमेंट करके जरूर बताइए। और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपको इस वीडियो को सीखने को मिला हो। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप जुड़े रहिए समर एक्सपेरिमेंट के साथ। बाय बाय, थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।